बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन अपने एक्शन सीन्स और बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। एक्शन से लेकर कॉमेडी फिल्म में इस तरह अपने किरदार को निभाते हैं जिसे देखकर लगता है कि यह रोल सिर्फ इन्हीं के लिए बना है। अजय देवगन भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्त माने जाते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने सीने पर शिव जी का टैटू बनवा रखा है। इसके अलावा मंदिर जाने से पीछे भी नहीं हटते हैं, लेकिन इस बार अलग लुक में मंदिर जाने के कारण वह ट्रोल भी हो रहे हैं। दरअसल इन दिनों अजय देवगन भोज द प्राइड इंडिया की शूटिंग मांडवी में कर रहे हैं। उन्होंने एक गाने का शूट कंप्लीट किया, उसके बाद शूटिंग से थोड़ा समय निकाल कर वह श्री नागनाथ महादेव मंदिर पहुंच गए। ये तस्वीर सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रही है, लेकिन अपने पहनावे के कारण वह ट्रोलिंग का शिकार भी हो गए हैं। वायरल तस्वीर में अजय ब्लू कलर की टी शर्ट और डेनिम शॉर्ट्स पहने हुए नजर आ रहे हैं। वह शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं, लेकिन लोगों से उनकी भक्ति न देखकर उनके कपड़ों को लेकर कड़ी आलोचना शुरू कर दी है। वैसे तो हिंदू धर्म में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको एक नियम के अनुसार ही कपड़े पहनने होंगे, लेकिन मंदिर के लिए कहा जाता है कि पुरुष कुर्ता और के साथ धोती या पायजामा के अलावा फॉर्मल शर्ट या ट्राउजर में नजर आए, वहीं महिलाएं साड़ी या सूट या फिर लॉन्ग स्कर्ट में नजर आए। यूजर्स ने अजय देवगन को सलाह देना शुरू कर दिए कि शॉर्ट्स जैसे कपड़े मंदिर जाने के लिए सही नहीं है।